संसार में जब जब नकारात्मक शक्तियां हावी होने का दुस्साहस करती हैं, तब तब अवतरित होते हैं देवी शक्तियां, जो दुष्टों का संहार कर देवी तत्व होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। नवरात्रि आस्था का महापर्व है और मां की आराधना में हर कोई लीन है। ऐसे में आपको लेकर चलते हैं बदनावर रतलाम के बीच स्थित सुप्रसिद्ध सात रुंडा माता मंदिर की ओर और बताते हैं यहाँ के धार्मिक महत्व के बारे में। इसे स्थानीय लोग कवलका माता का मंदिर भी कहते हैं। सात रुंडा वाली माता जी से ली हुई मन्नत पूर्ण होती है, साथ ही माता जी को सिरे का भोग भी लगाया जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी काली को माँ भवानी अर्थात देवी के रूप में पूजा जाता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त यहाँ पूजा करने आते हैं। नवरात्रि पर यहाँ लगने वाला मेला क्षेत्र में काफी मशहूर है, जिसमें क्षेत्रभर से हजारों लोग सम्मिलित होते हैं। बदनावर से शिव शंकर रिग्नोदिया के साथ विशेष संवाददाता बंटी सिंह चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं बंटी सिंह चौहान, आज हम मौजूद है अति प्राचीन तीर्थ स्थान सातरुंडा में, जहां की मान्यता है कि यहां ली हुई मन्नत पूरी होती है और खासकर यहां पर नवरात्रि के इस पावन त्यौहार पर अति भीड़ रहती है। साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर मांगी गई मन्नत पूर्ण होती है और इस मंदिर की स्थापना पांडव काल के समय पे पांडवों ने की थी, तब से यहाँ ये और यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की, क्या विशेषता है? मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, ये पांडव कालीन है। पांडवों ने इसकी स्थापना करी थी अज्ञातवास के समय, जब पांडव यहाँ इधर गाय चराने आते थे, तब उन्होंने इस टीले को बनाया भीम ने और माता जी की आराधना करके इस मंदिर को स्थापित किया है। तब से ये मंदिर यहाँ विद्यमान है और करीबन सन 1188 से हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते हुए आ रहे हैं। 900 साल करीबन हमारे पूर्वज को पूजा करते हुए हो गए, आज तक हम यहाँ इतनी पीढ़ियाँ हो गई हमारी। और अति चमत्कारिक मूर्ति है माता जी की, यहाँ बच्चों की मन्नतें ले जाती है, सबसे ज़्यादा पीछे मंदिर के साथ ये बना रखे हैं उल्टे, और बच्चों मन्नतें पूरी होती हैं और अपने लोग आते हैं मन्नतें उतारते हैं और माता जी को मदिरा का पान भी कराते हैं, प्याला लगता है माता जी को। और अति प्राचीन मंदिर है। हाँ, हम लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं माता जी का, विदिशा से आए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ का। हाँ, वो बुलाएंगी तो हम फिर भी आएंगे, अभी पहली बार आए। बालका माँ से कई छोटे से बड़े यहीं हुआ, हमारे माता जी रानी सदा आशीर्वाद बरसती रहती है, बड़े बड़े काम यहीं से हुए हैं, इनके सिर झुकाते ही हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं और माता रानी का जयकारा कहते ही सारे सब लोग उज्जवलित रूप से हाथ जोड़ने लगते हैं। सारे काम सारे कार्य यहीं से चलते हैं। अब हम घर में बैठे बैठे माता रानी का नाम लेते हैं, हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से मेरे और मेरे परिवार मेरे मित्रों पर सदा बरसता रहता है। इस स्थान को के विकास को लेकर आप शासन तक क्या संदेश भेजेंगे? मैं शासन से यही अनुरोध करूंगा कि यहाँ कुछ तरह का डंडलप और रास्ते का निर्माण और कुछ लाइटें वगैरह, पानी की सुविधा और आए गए तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करी जाए। कहाँ से आए सर? हम लोग विदिशा से आए। हमारा नाम अरुण सिंह ठाकुर, मिसेज का नाम शीला ठाकुर और हम लोगों ने ये सुना था यहाँ सतरुंडा ये बहुत प्राचीन जगह है रतलाम जिले की, और हम लोग यहाँ आए माता रानी के दर्शन की, दर्शन करने के बाद हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा समझे। और कोरोना काल के बाद ये हम यहाँ पहली बार आए।